नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का जूस। तो ये मैंने एक गाजर ली है, इसको मैंने धो के और इसका छिलका निकाल दिया है। और इस एक गाजर में 2 गिलास जूस बनेगा। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। अब गाजर के हमने ये बारीक पीस कर लिए हैं। अब इसको हम मिक्सर में डालेंगे और 1 गिलास पानी डाल के और फिर इसको पीसेंगे, मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। गाजर को हमेशा जो कड़क रहती है, इसलिए इसके छोटे टुकड़े करके और पीसना चाहिए, वरना ये जो मिक्सर का जार है ये वो ख़राब होने का डर रहता है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब ये हमारा गाजर का जूस हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अब इसको चलनी में छान लेते हैं। ये गाजर में जो इसका ये निकला है पल्प, तो इसमें थोड़ा से कहीं कहीं गाजर के थोड़े बारीक पीस रह गए हैं, तो इसको वापस हम मिक्सर में डाल के और थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी डाल के और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको वापस पीस लेंगे। हमने इसको अब वापस से इसको पीस लिया है। अब इसको छलनी में निकाल लेते हैं और जितना भी पानी है इसमें, गाजर का जो जूस है इसमें, इसको हम दबा के निकाल लेंगे। और इस पल्प को फेंकना नहीं चाहिए। या आप चाहें तो इसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। चाहे इसका 1 चम्मच घी डाल के इसको सेक के और थोड़ी सी चीनी और दूध डाल के आप हलवे के रूप में भी इसको खा सकते हैं। अभी हमारा गाजर का जूस तैयार हो गया है। ये गाजर का जूस हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि नींबू का रस नहीं डालेंगे जब तक ये जूस अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गाजर में मिठास रहती है तो इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता है, तो ये टेस्टी भी बनता है और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। अब ये नींबू का रस हमने डाल दिया है। अब इसमें ये भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ, ये काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और ये नमक डाला है। ये मैंने सादा नमक लिया है, आप चाहें तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं और सादे नमक की जगह सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। काले नमक से इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। तो इस तरह से गाजर का जूस हेल्दी भी रहता है और गर्मियों में आप इस तरह से जूस बनाकर पीजिए, ये आँखों के लिए बहुत हितकारी है। अभी हमारा जूस तैयार है। अब हम इसको गिलास में, जूस का यही सिस्टम है कि जैसे ही जूस निकालें उसी समय पीना चाहिए। जूस को निकाल के रखना नहीं चाहिए, वरना उसके विटामिन सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जिस समय आपको पीना हो उसी समय जूस को निकालें और फिर पिए। किसी भी फल का जूस हो, चाहे कोई सब्जी का, ये जो भी आपको बनाना हो तो उसी समय बनाकर और पीजिए। तो यदि आपको मेरा ये गाजर के जूस का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा।